आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फिफ्थ चैप्टर होने वाला है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2024, उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे अकाउंट नहीं आते हैं बनाने, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक अवेलेबल है जिसपे मैंने वीडियो में बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है, वहां पे सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ आके सॉल्व करो यहाँ के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें दो केसेस होंगे। पहला केस है हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, जहां पर चार पार्टनर है क्वेश्चन में हमारे पास, जिनके हमारे पास शेयर गिवन है और शेयर भी यहाँ पे अलग अलग गिवन है, जिनके डिनोमिनेटर आप देख पा रहे होंगे मैच नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इनके हम यहाँ पर जो शेयर गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला पार्टनर है वो है W, फिर है हमारे पास X, फिर Y और फिर है लास्ट में Z। हम इन सबके शेयर क्या करते हैं फटाफट से लिख लेते हैं। जो शेयर है यहाँ पे वह है 1/3, फिर है हमारे पास 1/6, फिर अगेन 1/3 और 1/6। इसके बाद कहते हैं जो हमारा पार्टनर Y है वो कंपनी छोड़ के जा रहा है। जब Y कंपनी से जा रहा है तो कह रहे हैं कि WXZ जो कंपनी बचे हैं, WX और Z, इनका फ्यूचर शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, यानी 1:1:1। और क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे करेंगे, उसके लिए होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, उस फॉर्मूले का हम अभी यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास गेनिंग निकालने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए अब हम इसे करना सॉल्व करते हैं फटाफट से। पहला स्टेप होगा हमारे पास, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर मैच नहीं है, सो हमें यही मैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर मैच कराने हैं। तो डिनोमिनेटर हम 3 को 6 बना सकते हैं, लेकिन 6 को 3 नहीं बना पाएंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, 1/3 को यहाँ पर 1/6 बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम क्या करें 3 में मल्टीप्लाई कराएं और वो 6 हो जाए, तो वो नंबर होगा हमारे पास 2। लेकिन जब हम इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में कराएंगे, यानी कि नीचे भी कराएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि यहाँ पे भी। तो इससे हमारे पास कितना आएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास 2/6, और दूसरे पार्टनर का सेम रहेगा 1/6। तीसरे पार्टनर का क्या होगा, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में, तो ये भी बन जाएगा 1/6 और लास्ट में आएगा हमारे पास फिर से 1/6। अच्छा यहाँ पे आना था 2/6 क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों से मल्टीप्लाई कराई, ठीक है। तो अभी रेशियो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पार्टनर्स का रेशियो बनकर तैयार हो गया है 2:1:2:1, ठीक है। ये हमारे पार्टनर्स का बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 2 से भी और 2 से यहाँ पे भी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में, तो इससे भी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/6। अब इसके बाद लास्ट वाला आएगा सेम 1/6, इससे हमारे पास रेशियो बन के तैयार हो गया कि एक्चुअल ओल्ड रेशियो था क्या भाई, ओल्ड रेशियो था 2:1:2:1, ठीक है। तो ये हमारे पास था ओल्ड रेशियो। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ऑलरेडी नया रेशियो गिवन है 1:1:1। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें करना पड़ेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो फटाफट से क्या करते हैं, इस वाले जोन को हम करते हैं साइड। अब इसको साइड करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पार्टनर्स के न्यू रेशियो, जो कि किस किस का आएंगे, W का, ठीक है, फिर X का और फिर Z का, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं कि W का न्यू रेशियो क्या था, 1/3 होगा क्योंकि 1:1:1 था, तो यानी कि W का शेयर है 1 और टोटल में आएगा सभी पार्टनर्स का शेयर जो कि है 3। इसी तरह सभी का लिख लेते हैं न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3। माइनस क्या करना है, इन सब के ओल्ड रेशियो माइनस करने है। तो ओल्ड रेशियो कितना कितना था भाई, हमारे पास जो W का अभी हमने यहाँ पे निकाला है, W का ओल्ड रेशियो था 2/6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W का 2/6। इसके बाद दूसरे का लिखेंगे X का, वो आएगा हमारे पास 1/6, ठीक है, और Z का भी कितना है हमारे पास 1/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6। अब हमने इतना लिख दिया, अब फटाफट से क्या करते हैं, इसको भी साइड करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास सबसे पहले चाहिए हमें एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होने वाला है, तो यहाँ पे से करेंगे सॉल्व, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, उस 2 की मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर से कितना आएगा 2 आएगा, माइनस का साइन, देन 6 का टेबल में 6 कितने टाइम 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई 2 से और आएगा हमारे पास 0/6।
यानी कि इस पार्टनर ने कुछ भी गेन नहीं करा, इसका आ रहा है जीरो। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्टनर में, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। एलसीएम आएगा दोनों का सिक्स, यहाँ पर थ्री के टेबल सिक्स के टेबल में थ्री से कितनी बार आया, मतलब थ्री से अगर मल्टीप्लाई करें तो सिक्स कितने टाइम्स आएगा, टू टाइम्स। सो इस टू की मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर में और फिर आएगा हमारे पास टू, यहाँ पे आएगा वन, फिर ये बचेगा हमारा वन बाय सिक्स। इसके बाद सेम ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, तो यानी यहाँ पर भी सेम होने वाला है, टू माइनस वन बाय सिक्स यानी वन बाय सिक्स। अब यहाँ पे जो हमारा गेनिंग रेशियो आ रहा है पार्टनर का वो आ रहा है वन रेशो वन, एज यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है वन बाय सिक्स और वन बाय सिक्स, तो यानी वन रेशो वन यहाँ पे काउंट करा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा पहला केस होना था जो कि अभी हमने पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद एक केस और है जो कि सेकंड वाला है। सेकंड वाले में हमें क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या करने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, और ए बी सी के पार्टनर होने के साथ साथ इनका रेशियो भी गिवन है जो कि है फोर रेशियो थ्री रेशियो टू। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक पार्टनर है सी, वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर रेशियो लिखना ए बी सी फोर रेशियो थ्री रेशियो टू, और जो कंपनी छोड़ के जा रहा है वो जा रहा है सी। कहते हैं सी का जो शेयर है वो ए अपने पास रख रहा है, ठीक है, लेकिन पूरा शेयर नहीं रख रहा है। ए सी का जो शेयर है वो कितना है, टू बाय नाइन है। ठीक है, नाइन कैसे आया भाई, सभी पार्टनर्स का टोटल कर दिया शेयर, डिनोमिनेटर में हम टोटल ही लिखते हैं। तो इसका जो शेयर है उसका फोर बाय नाइन कौन ले रहा है, ए ले रहा है, तो फोर बाय नाइन, तो बचा हुआ कौन लेगा, जो दूसरा पार्टनर होगा यानी कि बी। ठीक है, सी का टोटल शेयर है टू बाय नाइन, टू बाय नाइन में से फोर बाय नाइन किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है ए के पास, तो इसका रिमेनिंग निकालना है। तो रिमेनिंग आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल तरीका जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास टोटल कितना शेयर था, नौ था, नौ में से चार कौन लेके जा रहा है, ए, तो बचा कितना, नौ में से चार गए तो पांच, तो यानी कि जो हमारा दूसरा पार्टनर होगा उसके लिए हम करेंगे टू बाय नाइन मल्टीप्लाई फाइव बाय नाइन। ठीक है, यानी कि जो सी का शेयर था टू बाय नाइन उसमें से फोर बाय नाइन तो एक पार्टनर लेके जा रहा है, और सी का जो शेयर है टू बाय नाइन उसमें से फाइव बाय नाइन लेके जा रहा है दूसरा पार्टनर। इससे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करके एक वैल्यू आएगी, फटाफट से वैल्यू उसको निकालते हैं, जो कि कितनी होगी हमारे पास, ये होगी एट बाय एटी वन। इसके बाद यहां करेंगे तो आएगा टेन बाय एटी वन। हमें करना क्या है, हमारे पास अब हमें ऐड कर देना है ये ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में, क्योंकि इसको ए को मिल रहा है 8 बाय 81 और 10 बाय 81 मिल रहा है बी को, तो जो इनके ओल्ड रेशियो तो उसमें ऐड कर देते हैं फटाफट से। तो फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं, इनका शेयर लिखते हैं, जैसे कि ए का हमने ओल्ड शेयर लिखा 4 बाय 9 प्लस करेंगे उसमें 8 बाय 81। ठीक है, 8 बाय 81। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो कि कितना होगा 81। बी का भी फटाफट से लिख लेते हैं, फिर एक साथ हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आएगा बी का पुराना शेयर आएगा 3 बाय 9 प्लस का साइन लगाएंगे, और ये आएगा हमारे पास 10 बाय 81। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लिखना है 81। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, 9 के टेबल में 81 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आया था, है ना, तो उस 9 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास 36 प्लस 8। ठीक है, 81 वन टाइम और उस 1 की मल्टीप्लाई 8 से, इसी तरह यहाँ भी करेंगे। ठीक है, 9327 एंड प्लस का करके आएगा 10। ठीक है, और इससे आगे हमारे पास आएगा ये 44 डिवाइड बाय 81, और इससे आगे आएगा हमारे पास 37 डिवाइड बाय 81, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा हमारे पास 44 रेशियो 37। तो केस टू के लिए हमारे पास रेशियो बन के तैयार हो गया 44 रेशियो 37। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारे पास होना है। होप करता हूं आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें हमारे चैनल की, जहां पे अपलोडेड है काफी सारे क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, और वहां पर आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं।